वैसे होंगे तो अठ नौ तरह के होंगे पर जोड़े पॉजिटिव है जोड़े अपने ज़्यादा बीमारियों हटाते हैं वो पांच तरह के पॉजिटिव मिलट होंगे जिमें कोदरा कंगनी कुटकी स्वांख हरी कंगनी तो रागी ये छे तरह के मिलट आप जो अपनी डाइट में अपना हैं तो मैनू नहीं लगता कि अपन डॉक्टर को जाने की जरूरत पेगी। दूजी गल है इनू बना किस तरह है जिस जिमें कि किसी शुगर है शुगर वास्ते तुसी एक कटोरी मिलट लैके उस चार कटोरी पानी पा के उन्हों प्यो के रख दो अठ घंटे लिए फिर उसनों दस गुणा पानी पा के मान लो चार कटोरी पाई है छे गुणा होर पानी पा के उहदे विच दस कटोरी पा के तुसी उन्हां नूं रात नूं उबाल के रख के वह जिहड़ा भी बर्तन दे विच उबालोंगे उस बर्तन नूं कॉटन के कलॉथ नाल ढक के रख दो बारह घंटे लिए छड़ दो जिवें आपां दही जमाउण वास्ते छड़दे आ उस तरह छड़ के अगले दिन तुसी उसनू खाओगे तो मेजर तो मेजर बीमारी भी थोड़ी दूर होगी थोनों अठ दस दिन अपने आप ही रिजल्ट पता लग जूगा भी यदा की रिजल्ट हैगा। शुगर अठ दिन शुगर लैवल घट होनी शुरू हो जाऊगी। मेरा पिंड चैना है जी जैतो दे कोले फरीदकोट जिले के उत्थे साडे चेयरमैन है उन्होंने तीन इंसुलिन के टीके लगते हर रोज़ शुगर लैवल इन्नी सी तुरते सह चढ़ता सी तो उन्होंने डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी को गए तो उन्होंने इन्हों मिलट बारे दसिया भी तुसी ये मिलट अपनी डाइट में शामिल करो उन्होंने डाइट प्लान दिती भी तुसी यो खाओ कि ना मिलट खाओ फ्रूट खाओ सलाद खाओ तो दुध ते दुध तो बड़े प्रोडक्ट छड़ दो अपने पंजाबी लोग दुध नहीं छड़ सकते जेडे बाहरले लोग है उन्होंने ड्राई फ्रूट वाधू मिलता है उधर साउथ दे विच जाइए तो उत्थे आपां नारियल काफ़ी है तो नारियल का दुध इस्तेमाल करते हैं तो पर अपने बजट तो यह बाहर हुंदा है तो असी दुध नूं वेयर करन वास्ते नहीं कहांगे भी तुसी उसनों छड़ दिओ पर उसनों जे ज़्यादा बीमारी है थोड़ी देर छड़ के फिर तुसी उन्हों दोबारा फिर शुरू कर सकते हो उन्हों लस्सी दे रूप च लै सकते हो उसनों दही दे रूप दे विच लै सकते हैं सीधा दुध ना यूज़ करो तो इस करके उन्होंने तीन महीने के उन्होंने हम वह गोली भी नहीं लेंदे एक भी टैबलेट नहीं लेंदे तो वह पांच किलोमीटर तुरदे उन्हों का सह नहीं चढ़ता वो एक एग्जाम्पल है साढ़े आस पास के लोगों लिए एक उदाहरण है वो इस तरह नाल बहुत सारिया एग्जाम्पल है जिन्होंने मिलट खा के अपने आप को ठीक किया है। जो भी तुसी अगर तुसी कोई सवाल भी पूछना चाहते हो जिन्ना क मैनू पता हैगा तो मैं वो दस सकती हूँ जे किसी के मन के सवाल भी हो इस प्रति तो तुसी पूछ सकते हो। दूजे नंबर पर यह है जी जदों आपां कि ना मान लो ये बच्चों भी खवाना जरूरी है तो बच्चों आपां किस तरह देवांगे मेन गल ये आती है कि बच्चे अजकल पिज़्ज़ा बर्गर ते न्यूडल इस तरह दीज़ा खाते हैं तो आप बच्चों इस पास लाना है तो उन्होंने आप शेक की तौर पर यदी शेक बन जाता है लस्सी बन जाती है इस दे पिज़्ज़ा भी बन जाता है इसका बेस मिलट का बना के आप मूल अनाज का बेस बना के यदा पिज़्ज़ा भी बन जाता है ये मेरे तो सौ तो ज़्यादा मैं डिशिज यदिया बना सकती हूँ। अज भी तुसी जेड़ा इत्थे चाह दे नाल खादे आ वो पकौड़े है कोदरा पाया है कोदरा बाबे नानक जी की खेती है बाबे नानक जी ने ये चो दुध कढ़िया हैगा तो आप उस तो ही यह सीध लै सकते हैं कि यह किन्ना क अनमोल चीज़ होगी जिदे नाल जदों उहदे विच्चों अमृत कढ़ सकते हैं तो आप मूल अनाजा चो की मिल सकता हैगा आप इस चो सीध लै सकते हैं। दूसरे नंबर पर खाने के अज थोनों पुलाव भी मिलट का ही मिलेगा तो खीर भी थोनों वो मिलट की मिलेगी तो थोड़ा जहा थोनों टेस्ट का भी पता लगेगा भी ये किस तरह के काम करते हैं तो यदा की कुछ बन सकता है तो वो बारे भी मैं थोड़ा थोड़ा जहा चानना पानी है भी कि डिशिज ये बन सकती हैगी। हाँ जी अरे मिलट के आप परौंठे बना सकते हैं जिमें आलू परौंठा प्याज परौंठा मूली गोभी सारे तरह के आप परौंठे बना सकते हैं। फिर उस तो बाद आप पूरी बना सकते हैं यदा कटलेट बना सकते हैं टिक्की बना सकते हैं शेक बना सकते हैं हश्क बना सकते हैं हश्क की मतलब चाह होंगी वह कोदरे का छिलका हों वो हश्क है वह जो आप काढ़ा पीने तो वह बहुत बेनीफिट हों। इस तो बाद आप जे मिठाइया की गल करिए तो मिठाइया के लड्डू बन सकता है गुलाब जामुन बन सकती है जलेबी बन सकती है जो इन्नी चीज़ आपां नूं मिलट तो बन सकती है तो फिर आप बाज़ार के क्यों कैमिकल खाइए कैमिकल खा आपां नूं पता नहीं कि आपां नूं बाज़ार के सिंथेटिक चीज़ा किन्नियां मिलदियां हैगियां सिर्फ आपां नूं आए हैं भी आपां नूं मेहनत ना करनी पवे बाज़ार च पैसे लाए तो चलो लियांदे ते खाधी आपां तो उस तरह किन्नियां बीमारियां लगदियां उहदे बारे आपां कोई भी कदे आप कोई ये किया ही नहीं वेरवा ही नहीं किया भी अपने पैसे किन्ने लगते किन्ने नहीं लगते। हाँ जी उस तो बाद मैं कुदरती खेती की गल भी करती है जो जो काम साडा खेती विरासत मिशन कर रहा है ये मिलट तो हुण ही आपां तो हुण ही प्रचार कर लगे हैं पर खेती विरासत मिशन 2014 तो ये मिलट का प्रचार कर रहा है वो उन्होंने चंडीगढ़ के कैंप लाए
होर बहुत जगह ते कैंप लाए है, जिस तरह के असी हुण मनोहर लाल खट्टर जी ने सानू बुलाया सी, असी राष्ट्रीय भवन दे विच वी 250 लोगों का खाना खवाया, फिर उस तो बाद 2500 लोगों का खाना खवाया, इस तरह करके साडे कैंप इवेंट लगते रहिंदे आ, तां असी इह अवेयरनैस कैंप लाउंदे रहिंदे आ। मेन गल ये है कि अवेयरनैस कैंप लाउण दा फिर ही फायदा है, हुण जिवें असी बोलिया थोड़े चो किसे दा असर होऊगा, जिहनूं बीमारी होऊगी उह जरूर अपनाऊगा। गल ये हुंदी है आपां अपनाउणे उदों है जदों आपां नूं बीमारी लग जांदी है, जदों आपां तंदुरुस्त हुंदे आ उदों गल नहीं सुणदे, आपां उदों फास्ट फूड दे विच ही पिछे ही भजदे आ। तां मेरे वीरो अज्ज आपां नूं लोड़ है इस चीज़ नूं अपनाउण दी, अगर अपनी जिंदगी अपने बच्चों की भविख नूं बचाउणा हैगा तां तुहानूं इस वल ही आउणा पौगा। पहला बिजाई करो, बिजाई करके अपने आप खाओ, फिर बच्चों को खवाओ, फिर उस तो बाद तुसी उन्हूं बेचन का भी कर सकते हो। उस तो बाद ये तीसरी गल हैगी बेचन की, पर आप की करते पहले आप यही देखते हैं कि मैं जे बीजूंगा तो यह की किस रेट बिकूगा। मेन गल आप यही करते हैं, मंडीकरण की गल करते हैं, मंडीकरण बाद गल हैगी है। अपनी पहला सेहत देखो, अपनी सेहत का जे थोड़ू सेहत के बेनीफिट मिलेगा तो फिर ही तुम 10 जन दसोंगे मैं आह चीज़ खाधी है तो मैनू यदा बेनीफिट मिले, तो मैनू तुसीं भी ये खाओगे तो फिर फर्क पाऊगा। तो इस तरह करके बिजाई वाली भी करो, बिजाई वास्ते थोनू रुपिंदर सिंह साढ़े साथी वो दसणगे, और हैल्थ बेनीफिट साढ़े संदीप कौर मैडम नाल आए है ये दसणगे। तो इन्ना कहती हुई मैं खिमा की जाच कह, धन्यवाद जी।